नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार अंजलि को तो वार्निंग दे दी है ऋषभ ने, लेकिन दोस्तों वहीं पे ही अर्जुन बोलता हुआ नजर आने वाला है कि जितना हो सकता है इतना बचाने की कोशिश कर ले ऋषभ प्रीता को, लेकिन प्रीता से मैं एक ना एक दिन शादी करके ही रहूंगा। क्योंकि दोस्तों अब मेन मकसद बन चुका है अर्जुन का प्रीता से शादी करने का। वहीं अर्जुन को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके मन में खाली एक ही ख्याल आता है कि प्रीता को किसी भी तरीका से मैं अपना बना लूं, क्योंकि जो उसके दिल में एक आग लगी हुई है कि ऋषभ और प्रीता ने दोनों ने मेरे साथ में कितना बुरा किया और दोनों ही मेरे अपने कितने करीबी थे। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एक बड़ा भाई था ऋषभ और एक घरवाली थी प्रीता, लेकिन इन दोनों ने मिलकर जो किया है इस तरीका से अर्जुन को लग रहा है। लेकिन दोस्तों वहीं अर्जुन की बात की जाए तो अर्जुन से अब फिलहाल अंजलि समझाती हुई नजर आ रही है कि अर्जुन तुम इस तरीका से प्रीता से शादी ना करो, बल्कि बदले लेने के तो हमारे पास में 100 रास्ते हैं, हम उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शादी करने की तो हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किस तरीका से अंजलि बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं और वो हमेशा से ही अपनी समझदारी से कुछ ना कोई समझाती हुई नजर आती हैं। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि एक बार फिर से अर्जुन साफ साफ धमकी देता हुआ नजर आने वाला है ऋषभ को कि मैं तुझे जेल के अंदर ही लेके जाऊंगा, जेल के अंदर तुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो तूने किया है उसकी तो तुझे भरपाई करनी ही पड़ेगी। वाकई में दोस्तों अर्जुन इस समय बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज में नज़र आ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा गमगीन माहौल नज़र आ रहा है। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा गाइज कि आप मेरे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं गाइज आपको मेरी वीडियो आखिर कैसी लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।